देखिए कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है, तो कल एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है ज़मीन देने का काम किया। दरभंगा में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के अनेक क्षेत्र पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं और 400 पार का नारा लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर दे रहा है तो वो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पता ये चला है कि तेजस्वी यादव आज दरभंगा में है और खबरें ये भी आई हैं कि तेजस्वी यादव लगातार 4 दिन तक स्थानीय दरभंगा में ही रहेंगे और वहां पर सभा को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी करेंगे। जी हां, 4 दिनों तक तेजस्वी यादव दरभंगा में रहकर विभिन्न विधानसभाओं में जाकर चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। वहीं राजनीति जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव के मिथिलांचल में कैंप कराना एनडीए के लिए नुकसान साबित हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव रात्रि विश्राम के बाद चुनावी प्रचार में निकलने से पहले दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कल नरेंद्र मोदी दरभंगा आ रहे हैं, उसके हिसाब से दरभंगा एम्स बन चुका है, तो कल वो एम्स का मुआयना करेंगे कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव वो जरा सुने आप लोग। देखिए कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है, तो कल एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है ज़मीन देने का काम किया और साथ ही साथ तो DMCH जो है इसको विस्तार हम लोगों ने कराने का फैसला लिया ताकि 2500 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए, उसी तर्ज पे जैसे PMCH जो है बन रहा है। ये निर्णय जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी टाइम हम लोगों ने लेने का काम किया। पूर्व में जो भी सरकारें रही हमारे आने के पहले हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहा और कभी भी पहले तो था कि भाई DMCH में एम्स को जगह दे दिया गया था, लेकिन ये हम लोगों की सोच थी कि भाई DMCH का अपना खुद का वजूद है और इसके जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं देश भर में प्रसिद्ध हैं, विदेशों में हैं, तो जो गौरव जो था DMCH का उसको हम लोग बचाने का काम करें और DMCH का खुद का विस्तार करें और एम्स को अलग से जगह दे दें ताकि पूरे दरभंगा एरिया का जो है विस्तार हो सके और विकास हो सके और लोगों को कन्वीनियंट हो सके। एकदम रोड पर ही बगल में ज़मीन दिया गया है, बगल में एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी जो है वो बढ़िया है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई दरभंगा का जो है पूरी तरीके से विकास हो। अभी भी एयरपोर्ट का जो मामला है दरभंगा में, आप देखिएगा टर्मिनल के मामले में अभी भी ढंग का टर्मिनल जो है दरभंगा में नहीं ऑपरेट हो रहा है, ना ही बना। ट्रेनें आ रही हैं लेकिन दरभंगा की जो एयरफेयर जो कीमतें जो हैं वो इतना हाई राइज है, पूरे देश में हमको लगता है सबसे महंगा अगर टिकट मिलता है तो दरभंगा का मिलता है। यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला को भी हम लोग हवाई जहाज़ में बैठाएंगे। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, इस पर किसी सरकार का जो है ध्यान नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी आकर के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसके बारे में ही बात करेंगे।
तो आपने सुन लिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दरभंगा आ रहे हैं। उनके दरभंगा आने के 48 घंटे पहले ही तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंच गए हैं और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार 4 दिनों तक दरभंगा में रहेंगे। दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र में जाकर सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव की ये सभा नरेंद्र मोदी के लिए जरूर हानिकारक हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की लोकसभा चुनाव में आखिर जीत किसकी होती है, और जो ये 400 पार का नारा भाजपा लगा रही है, क्या वाकई वो पूरा होता है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।